एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ से मैंने कल का व्लॉग एंड किया था वहीं से आज मैंने शुरू कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे हम आए हुए हैं कौन से गुलशन इकबाल पार्क आए हैं हम लोग। तो हमने कहा चलो थोड़ा घूम लें, माइंड फ्रेश हो जाएगा, थकान बहुत हो गई थी तो इसलिए हम थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आ गए हैं यहाँ। ये है गुलशन इकबाल पार्क, इतना बड़ा पार्क है, इसको हम घूमेंगे ना तो सुबह हो जाएगी शाम हो रही है अभी, ये कल सुबह हो जाएगी घूमते घूमते। तो अभी थोड़ा बहुत घूम रहे, जब तक हम थक नहीं रहे तब तक घूम रहे हम। ऐसा लग रहा है हम डेट मारने आए यहाँ पे सब हमें देख रहे हैं इतने अजीब अजीब नज़रों से। अभी धूप हो रही है काफ़ी, मतलब सही है, शाम होने वाली है। बस देखें इतना बड़ा पार्क है, ये देखें इसको घूमते घूमते जो है वो शाम हो जाएगी। तो हम पूरा नहीं घूमेंगे, बस थोड़ा बहुत ही घूमना है। यहाँ से वापस जाना है मुझे अपनी सिस्टर के घर, मैंने उनको बताया नहीं है, उनको देना है मुझे सरप्राइज़। उनको कुछ नहीं पता, मैंने उनको कहा था कि मैं आऊँगी नेक्स्ट वीक, तो आज जा रही हूँ मैं रात में। अब यहाँ से फारिग हो गया हम लोग, मैं जाऊँगी बल्कि ये तो अपनी सिस्टर के घर ही रहेंगे, तो मैं जाऊँगी वहाँ, देखते हैं उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मेरी भांजियों का क्या रिएक्शन होगा। जान हम ये करने चले हैं, डरेंगे तो नहीं आप जहाज की तरह? हाँ शायद ये बच्चे बैठे हैं, बच्चे हम बड़ों का नहीं है आपको यार, बड़ों का भी होना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। वाह ना मेरा बिगड़ने का है, ये बड़ों का नहीं है, ये बच्चों का है, ये एक लिमिटेड एज पे होने, यहाँ बड़े लाइन लगा के खड़े होते हैं। बड़ों का भी रखना चाहिए, गलत बात है, हमारा भी दिल होता है कुछ करने का। हम फिर खतरों के खिलाड़ी में जाएंगे। ऐसा लगा सरप्राइज मेरा, बिना बताए आई हुए यहाँ पर इन लोगों को, कुछ नहीं पता था यहाँ इन लोगों को, इसको भी नहीं पता था कुछ भी। ये भक्ति भी आई बाहर भक्ति भी आई, अक्सर खाला आ गई, अक्सर खाला, और उसको देखो उसको अब वो बच्चों में लग गई यहाँ पर, अब वो अम्मा को भूल गई, नाइल से लगी हुई है बिल्कुल, उसको पता ही नहीं अम्मा कहाँ है कहाँ नहीं। घूम घूम के भूख भी लगी थी तो थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं। लाहौर के समोसे नहीं खाए तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया फिर तो। लाहौर के समोसे लाजमी खाने, बड़े टेस्टी होते हैं। आए मुन्ने, मुन्ने आओ ये खाओ। ये दोनों खेलने में लगी है, अपनी जबान में बातें करती रहती हैं बस। चले शुरू करते हैं, हम खाते हैं। देखो ये समोसे को हमने ऐसे तोड़ा चमचे से, सही है, फिर इसके ऊपर हमने डाले ये चने, और इसके बाद हमने अबे इसका चमचा कहाँ है, ये रहा। इसके बाद हमने डाली ये मीठी चटनी, आहा ये हमारे समोसा हो गया है तैयार। इसको मिक्स करो और मज़े से खाओ, मज़ेदार समोसे। अब भूख लग रही थी दोबारा से तो हमने सोचा क्यों ना बर्गर ले आए, तो ये आ गया हमारा जिंगर बर्गर, तो हम खाते हैं। तुर्किश फूड खा रहे हैं आज हम, तुर्किश, ये देखें तुर्किश फूड, तो चले खाते हैं जल्दी से, खा के मिलते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, अभी फ्रेश होके आई हूँ। ये आयजा बैठी है, आयजा क्या कर लें, नाश्ता कर लें, नाश्ता भी आ चुका है हमारा, ये हमारा नाश्ता रेडी है, चाय आ रही है अभी, चाय आती है तो फिर नाश्ता। आप खाएं, क्या खाएंगी आप बताएं, पाठा खाएंगी, पाठा और अन्ना भी खाएंगी आप, ये आई दूसरी पीस, आ जाओ आओ बैठो बैठो, आओ नाश्ता करेंगे, चले नाश्ता करके मिलते हैं आप लोगों से। चलो मरियम की सालगिरह शुरू हो चुकी है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ खिलाओ मम्मा पापा को, खिलाओ केक। ऐसे करके ना, ऐसे करके। हाँ खिलाओ जल्दी से। चलो ऐसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाथ से पकड़ो, हाथ से गिर जाएगा। हाथ से पकड़ो, हाँ हाँ चलो चलो जल्दी से खिलाओ। ये लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। ये लो जी, ये हमारी तरफ से गिफ्ट भाई, थैंक यू, वेलकम। ये हमारी तरफ से, और ये बड़ी नानी की तरफ से गिफ्ट। ये हुरिये की तरफ से गिफ्ट। वाह यार इतने सारे गिफ्ट जमा हो गए। सबको थैंक यू बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े सारे गिफ्ट हो गए। चलो अब केक भी खा लेते हैं, गिफ्ट तो दे दिए हमने। बर्थडे नहीं करी आपने, ताली बजाई थी। हैप्पी बर्थडे करे, हैप्पी बर्थडे टू यू करे। सुन बैठी हैं अभी, सो के उठी हैं। तो आप लोगों ने देखा सालगिरह हुई इसकी। इसकी सालगिरह जो थी वो जुम्मे को थी, लेकिन जुम्मे को मैं आ नहीं सकी, तो आज कर ली सालगिरह। मैंने बोल दिया था कि जब लाना के जब मैं आ जाऊं यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आज करी इसकी सालगिरह। आज भी मैं कहीं गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए अपनी, और आयजा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह मैं आयजा की दवा लेने गई थी, इसको काफी तबीयत खराब थी इसकी, तो इस वजह से मैं थोड़ी टेंशन में थी, व्लॉग शूट नहीं कर सकी। अभी रात हो रही है तो सालगिरह हो रही थी इसकी, तो मैंने कहा चलो अब मैं व्लॉग एंड कर दूं, क्योंकि सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। दुआ करिएगा आप लोग आयजा के लिए कि आयजा की तबीयत ठीक हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।